7:45 o'clock morning and I'm still feeling sleepy. Welcome to today's videos. It's 7:45 o'clock morning. My plan was to wake up at 6:30, 6 o'clock, but I'm late around 1 hour. But let's see. Day one of my vlog and day one of my transformation. So आप ये वीडियो एंड तक देखना. कीप वॉचिंग. वेलकम टू टुडेज वीडियो. लगता है मैंने दूसरी बार बोल दिया, बट कोई बात नहीं. इट्स 8 o'clock मॉर्निंग. थोड़ा बहुत धूप है, बट मैं जॉगिंग के लिए निकल सकता हूँ. पिछले व्लॉग में आपने ये पार्क देखा होगा. मैं अपने भाई के साथ आया था. सो आई कम टू द पार्क टू कवर माय 10 to 15,000 स्टेप्स. यूजली आई वॉक अराउंड 10 more than 10,000 स्टेप्स. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे एंड टू फील रिलैक्स. एंड आई हैव फ्यू मोर मिनट्स टू गो टू कम्प्लीट दिस रन. फिर भी आई एम ट्राइंग माई हार्ड, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सारा दिन तक गैप हो जाने के बाद स्टैमिना भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. इंड्योरेंस आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है. और स्ट्रेंथ का पता नहीं, स्ट्रेंथ पता चलेगा जिम के अंदर. लगभग 4 से 5 महीने बाद मैं इस पार्क में आया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. लगभग मेरे 3,000 स्टेप्स हो गए हैं एंड अभी भी आधा घंटा बाकी है और लगभग मैं 10,000 स्टेप तो कंप्लीट करके ही जाऊँगा यहाँ से. In today's vlog, I'm gonna share my full day of eating and this is my comeback to YouTube and this is my first vlog after 4 months. Many of you might be going through the shredding diet, bulking diet. So this video is for you. This video is for gym goers. This video is for those guys who are interested in fitness. पिछले बार भी मेरे vlog को अच्छा response मिला था. इस बार भी आप अच्छा response देना. I ran like 6 kilometers. I'm starving. I'm going back home right now and I haven't eaten anything since morning. I'll see you guys at home. तो मैं fresh हो गया हूँ और jogging से आ गया हूँ. तो अभी मैं अपना breakfast करने जाऊँगा और कुछ plan करूँगा आज. और अभी 5-6 दिन, एक हफ्ता तो कोई पढ़ाई का scene नहीं है क्योंकि अभी अभी exams ख़त्म हुए हैं और most probably 2-3 दिन में result भी आ जाएंगे और होली भी आने वाला है 6-7 दिनों में. तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत दिनों के बाद ऐसा एक्साइटमेंट वापस आया है लाइफ में. तो अभी मैं ब्रेकफास्ट जाऊंगा करने और ब्रेकफास्ट के बाद कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा. मैं कुछ आपसे सप्लीमेंट भी शेयर करने वाला हूं जो अपने मैं डेली लाइफस्टाइल में लेता हूं. उसके अच्छे रिज़ल्ट हैं और मैंने पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में ये 2 सप्लीमेंट्स यूज़ किए थे. तो मैं आपको कुछ देर के बाद वो सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करवाऊँगा. तो आप बने रहना वीडियो के साथ. आज मैं ऑमलेट ट्राई करने वाला हूँ इसके साथ. ब्रेड पे लगभग 1 स्पून में लगा रहा हूँ चीज थोड़ा बहुत. और आज मैं चीज ऑमलेट खाने वाला हूँ. चीज ऑमलेट नहीं, जस्ट लाइक ब्रेड टोस्ट करके चीज के साथ और ऑमलेट बनाऊंगा. अभी मैं 3 ब्रेड ले रहा हूँ और लगभग 3 स्पून चीज के.
ग्रीन लाइट तक इसको करना है ना होल्ड। सो फाइनली माई ब्रेकफास्ट इज रेडी, यू कैन सी माई मील एंड दिस गोना बी माई फर्स्ट मील ऑफ द डे। इट्स वेरी गुड टू स्टार्ट अ डे विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट डजंट मीन दैट यू गोना ओनली हैविंग हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नो दैट डजंट मीन दैट इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। Just make your breakfast healthy according to your goal. So I have used almost 4 egg and 6 egg whites and मैंने पूरा omelette बनाया उसका। Boiled egg अभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगभग एक महीने से मैं dieting पे नहीं था और मैं dieting चालू करना चाहता हूँ एक अच्छे way में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में। जस्ट लाइक मैं अभी बॉयल्ड एग खा रहा हूँ, बॉयल्ड एग मुझे उतना पसंद नहीं है, बट डाइटिंग के लिए बॉयल्ड एग इज़ बेटर दैन ऑमलेट, क्योंकि उसमें जो भी ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं 4 to 5 grams वो यूज़ नहीं होता है ऑयल भी। और दूसरा चीज़ ऑमलेट में यूज़ कर रहा हूँ और मैं फ्लेक्सिबल रखता हूँ अपनी डाइट को, कभी चीज़ मैंने यूज़ किया है। बहुत लोग लग रहा होगा चीज़ बहुत डेंजरस है, नहीं ऐसा नहीं है। सैचुरेटेड फैट कुछ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और लगभग सैचुरेटेड फैट 15 to 20 grams रखना पड़ता है पूरे दिन में। कल मैं रात को जल्दी सो गया था, मुझे पता था आज से फुल ऑन डाइटिंग स्टार्ट करना है और वर्कआउट भी चालू करना है। आज से कैलोरी काउंटिंग, गुड वर्कआउट, अच्छे से हैवी वर्कआउट करना स्टार्ट करना है और बहुत स्लो वे में स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक 1 week बहुत आराम से मैं वर्कआउट करूँगा। और मेरा जो पिछला मंथ है बहुत अच्छा भी था और मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे अच्छा लगा, मैं डाइट से हटके था अभी। मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया है, आई पुट ऑन वेट 7 kgs लगभग, मैंने 7 kilo मैंने वेट गेन कर लिया है, लगभग मैं 71-70 था। आपको लग रहा होगा ये मैं कैप्सूल कौन सा खा रहा हूँ, बट ये मल्टीविटामिन है, मैंने मल्टीविटामिन भी चालू किया है इस बार। मल्टीविटामिन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके रोज़ के लाइफ में, आप मैक्रोज को हिट करते करते कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हिट करना। मल्टीविटामिन बहुत हेल्प करता है मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने में। एक चीज़ और अभी मैंने अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है। वो चीज़ ये है पालक का जूस। पिछले बार मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन में कभी नहीं पालक का जूस पिया था और जब मैं अपनी पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में छोटी छोटी जो मैंने गलतियाँ की वो सब यही चीज़ ही थी कि मैं कुछ चीज़ें जो थे जिसके बहुत सारे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो चीज़ें मैंने अब ऐड किया है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मैं लगभग अभी एडिटिंग करूँगा कुछ वीडियोस का और मेरे अपकमिंग वीडियोस जो मैं अभी डालने वाला हूँ उसका मैं एडिटिंग करूँगा। लगभग मैं 2 से 2.5 घंटे के बाद अपना मील नंबर 2 लूँगा। सी यू गाइस इन माय मील नंबर 2। और मैं बहुत लेज़ी फील कर रहा था ब्रेकफास्ट लेने के बाद भी, लेज़ी फील कर रहा था और कॉफ़ी मैं लगभग 1 महीने से मैं पी भी नहीं रहा था। कॉफ़ी चाय की सारी जो आदतें हैं सब छूट गई थी मेरी, तो अभी मैं सोचा अपने मूड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, और ये बहुत कम ही होता है कि मैं ब्रेकफास्ट लेने के बाद फ्रेश नहीं फील करता हूँ। कॉफ़ी कहाँ गया, वो वाला बर्तन कहाँ एक चीज़ और छूट गया कॉफ़ी में डालने को, बचा होगा थोड़ा सा। लगता है ये क्रीम खत्म हो गया है, खत्म कर दी। 1 चम्मच अमूल क्रीम। कॉफ़ी का टेक्सचर चेंज हो गया अमूल क्रीम डालने के बाद। फाइनली बहुत दिनों के बाद ब्लैक कॉफ़ी, और मैं अपना कॉफ़ी इंजॉय करूँगा। लगभग 1 महीने के बाद मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। जल्दी मैं कैफीन पे भी एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा।
मैंने आपको अपना मील नंबर टू दिखाया लंच। लंच में मैं ले रहा हूँ 200 ग्राम ऑफ राइस, लगभग 300 ग्राम ऑफ सुरमई फिश। फिश के बेनिफिट्स चिकन से भी बहुत ज़्यादा हैं। फिश में आपको गुड अमाउंट ऑफ फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है और ओमेगा 3 और 6 मिलते हैं, और फैट में भी गुड फैट्स मिलते हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको किन प्रकार के फूड्स इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट में, मैं आपको क्या क्या फूड्स लेने चाहिए अपनी डाइट में। आप मेरे व्लॉग से इस टाइप की आइडिया ले लो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, आप कभी भी कोई भी मील लेते हो जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है या फिर आप एक हाई प्रोटीन डाइट पे हो, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप हमेशा अपने प्लेट को फाइबर से भरा हुआ रखना। आप अपने हर मील में लगभग 1 bowl ऑफ सैलड्स रखो जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं अपना मील नंबर 2 ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत आराम करूँगा या फिर कुछ काम है, मुझे कुछ फ्रेंड्स से मिलना है, कुछ मेरे दोस्त हैं जिनसे बहुत लगभग 6-7 महीनों से नहीं मिला, उनसे मुझे मिलने जाना है। इट्स 6 PM इवनिंग एंड नाउ माई टाइम इज़ फॉर द मील नंबर 3 एंड दिस मील इज़ माई प्री वर्कआउट मील एंड लेट मी शो माई मील टू ऑल ऑफ यू। दिस इज 200 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर एंड दिस इज अ स्मॉल गुआवा एंड पनीर इज़ अ केसिन प्रोटीन एंड इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, और ये लगभग 2 से 3 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में। मेरा चॉइस हमेशा रहता है प्री वर्कआउट में, मैं हमेशा केसिन प्रोटीन ही लेता हूँ और क्योंकि मुझे ये फुलफिल लगता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी ये मील मैं ले लूँगा तो उसके बाद अभी 7 बजे के लिए मैं जिम के लिए निकलूँगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताना भूल गया, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है और ये मेरा कमबैक है, तो मैं सोच रहा था अच्छे से मैं इलैबोरेट करूँ, अच्छे से मैं अपना लाइफस्टाइल को शो करूँ, तो ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अभी आप ये पार्ट 1 देख लो और प्लीज़ पार्ट 1 तो अभी आप ये पार्ट 1 देख लो और मैं अभी जिम के लिए निकलूँगा तो वहाँ से पार्ट 2 इस ब्लॉग का स्टार्ट होगा, बाकी की स्टोरी पार्ट 2 में। और मैं आपको कुछ सीक्रेट सप्लीमेंट्स बताऊँगा जो बॉडी बनाने के लिए, जो एक अच्छी बॉडी अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। सो ये व्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। सो बाय।